कच्चे अंडे की तो आपने अलग अलग तरीके से कई रेसिपी बनाकर खाई होगी तो चलिए आज मैं आपके लिए कच्चे अंडे की एकदम नई तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार पीस कच्चे अंडे लिए हैं अंडे आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको जरूरत हो इधर मैंने एक ही साइज की चार पीस छोटी कटोरी लिया है कटोरी का तल देखिए इस तरीके से प्लेन होना चाहिए मतलब एक बराबर होना चाहिए पतला या फिर मोटा नहीं होना चाहिए कटोरी की जगह पर आप चाहें तो प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन प्लेन तल वाला अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा तेल और साथ ही में डाल देंगे एक एक चम्मच पानी तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है बस पानी हम उतना ही डालेंगे कि कटोरी का जो तल है ना एकदम पानी में डूबा हुआ हो ऐसे ये देखिए तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके कच्चे अंडों को फोड़ करके ऐड कर लेंगे तो अंडों को हमें स्टीम करना है तो पहले ही इस तरीके से कटोरी में थोड़ा सा तेल और पानी मिक्स करके फिर इसमें अंडे ऐसे फोड़ करके ऐड करेंगे ना। तो अंडे बिल्कुल भी कटोरी में चिपकेंगे नहीं बहुत हीजिली निकल जाएंगे तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने चारों अंडों को चारों कटोरी में फोड़ करके ऐड कर लिया है तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे और सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे तो इसके लिए एक बॉल में ऐड करेंगे दो चम्मच दही यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दही एकदम फ्रेश लेनी है ज़्यादा दिन की खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च अपन मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो कम या ज़्यादा आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे चम्मच के हल से अच्छे से दही में मसालों को मिला लेंगे जिससे कि मसाले अच्छे से दही के साथ घुल मिल जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से मसालों को दही के साथ मिला लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे अब चूल्हे पर चढ़ा देंगे कढ़ाई गैस ऑन कर लेंगे और इसमें डाल देंगे तीन से चार बड़ा चम्मच तेल मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है लेकिन आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं जो आपको पसंद हो तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे तेल गर्म होने पर इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच जीरा अब इन दोनों को पहले हल्का सा फ्राई होने देंगे ये दोनों जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को तब तक, तक, तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो लीजिए फ्रेंड्स प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है देखिए तो बस प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम क्या करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम इस टाइम एकदम लो रखेंगे लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को दो मिनट तक भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो निकल जाए तो दो मिनट हो गए मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए लो फ्लेम पर और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं तो बस इनको एक बार और अच्छे से ऐसे चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही वाला मसाला पेस्ट जो हम लोग बनाकर रखे थे बाउल में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से क्लीन करते हुए इसी में ऐड कर लेंगे इन मसालों को वेस्ट नहीं करेंगे अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे अब हम इनको लो फ्लेम पर ढक करके दो मिनट तक पकाएंगे बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से कुक हो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो दो मिनट हो गए मुझे इनको लो फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनमें से तेल सेपरेट होने लगे हैं इसका मतलब मसाले खूब अच्छे से कुक हो गए हैं ये देखिए कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आया है और मसालों का टेक्सचर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो गया है तो मसालों को हमें अभी और पकाना है उससे पहले हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर अब हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही दो मिनट तक और ढक करके पका लेंगे जिससे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो दो मिनट हो गए मुझे लो फ्लेम पर टमाटर डालने के बाद इनको पकाते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं देखिए तो बस इनको एक बार और अच्छे से ऐसे चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी अब हम पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर रखेंगे दूध वाली जाली इस तरीके की अब हम इसके ऊपर एक एक करके कच्चे अंडे जो हम लोग कटोरी में फोड़ करके रखे थे ना बहुत ही केयरफुली एक करके ऐसे रखते जाएंगे तो इस तरीके से जब हम अंडों को स्टीम करते हैं ना तो अंडे भी अच्छे से स्टीम हो जाते हैं और मसाले भी हमारे खूब अच्छे से कुक हो जाते हैं एक साथ दो काम होता है और अंडा करी जल्दी बनकर तैयार होता है लेकिन आप चाहें तो अगर आपके पास दूध वाली जाली ना हो तो इस तरीके की छेद वाली थाली हो तो अलग से भी स्टीम करके ले सकते हैं तो लीजिए फ्रेंड्स चारों अंडों वाली कटोरी मैंने दूध वाली जाली के ऊपर रख दिया है और अब हम इनको अच्छे से ढक देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले और इनको लो फ्लेम पर चार से पाँच मिनट तक स्टीम होने देंगे तो चार से पाँच मिनट हो गए मुझे इनको ढक करके स्टीम करते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अंडे बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए हैं तो अब हम इनको बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे क्योंकि कटोरी बहुत गर्म है तो आप चाहें तो चिमटा से या फिर सूती कपड़ा से इनको पकड़ के केयरफुली निकाल लीजिएगा और ये देखिए फ्रेंड्स मसाले भी खूब अच्छे से भुन गए हैं मतलब बहुत ही बढ़िया कुक हो गए हैं ये देखिए प्याज टमाटर भी पूरी तरह से गल कर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं मसालों का टेक्स्चर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी और साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम इस टाइम हाई करके ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करेंगे तो जब तक तो ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक हम अंडों में जो एक्स्ट्रा पानी है ऊपर की तरफ आया है इसको निकाल करके हटा देंगे जो हम लोग पानी डाले थे ना वही पानी है ये तो जब अंडे पक जाते हैं ना तो इस तरीके से पानी ऊपर आ जाता है कटोरी में ये देखिए अब हम क्या करेंगे एक एक करके ऐसे अंडे वाला कटोरी लेंगे और एक चम्मच की हेल्प से इस तरीके से साइड्स में घुमा लेंगे जिससे कि अंडे छूट जाए ये देखिए देख रहे हैं ना बहुत हीजिली निकल जाते हैं और इधर ग्रेवी में उबाल भी आ गया है तो हम इस तरीके से देखिए एक एक करके अंडे वाला कटोरी लेंगे चम्मच के हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे इनको और इनको हम क्या करेंगे ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे आप चाहे तो अंडों को फ्राई करके फिर ग्रेवी में ऐसे ऐड कर सकते हैं लेकिन जब हम इनको बिना फ्राई किए ऐसे बनाते हैं ना तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनकर रेडी होते हैं तो लीजिए फ्रेंड्स चारों अंडों को मैंने ग्रेवी में अच्छे से डुबा दिया है अब हम इनको ढक करके मीडियम फ्लेम पर आठ से दस मिनट तक पकाएंगे तो आठ से दस मिनट हो गए मुझे इनको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए और ये देखिए फ्रेंड्स वाओ लुक एट दिस फ्रेंड्स हमारा सुपर डिलीशियस अंडा करी बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ढक करके दो से तीन मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हरा धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी सुपर डिलीशियस अंडा करी एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो है ना बनाने का तरीका एकदम आसान और खाने में ये सुपर टेस्टी लगता है और देखने में भी लग रहा है ना बहुत ही अटेम्पटिंग यकीन मानिए फ्रेंड्स इस तरीके से अंडा करी जिनको भी बनाकर खिला देंगे ना सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे और पूछेंगे जरूर बनाए कैसे हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से सुपर टेस्टी अंडा करी बनाएँ खाएं इंजॉय करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें